comment, like, share and subscribe for information related to YouTube. नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप जांगड़ा आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका सुचिंतक. दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं, YouTube पे जो चैनल है उसका नाम परिवर्तन की बात कर रहे हैं. दोस्तों तो ये कैसे परिवर्तन करना है आपने, क्योंकि देखिए नाम परिवर्तन की क्यों जरूरत पड़ती है. कई बार क्या होता है, हम अपना ऐसा मैचिंग नाम बना लेते हैं, जैसे हम आपको सर्च करके दिखाते हैं, जैसे मेरे एक दोस्त का टेक्निकल स्कूल के नाम से यूट्यूब चैनल है. टेक्निकल स्कूल के नाम से अगर वो देखेंगे तो चैनल के देखिए यहाँ फिल्टर भी अगर मैं डालता हूँ तो फिल्टर डालने के बाद भी चैनल अपेयर नहीं होता है, ऊपर नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस नाम के बहुत सारे चैनल हैं. इसी ढंग से मैं आपको वो बोल रहे हैं कि नाम को चेंज करना है. तो नाम चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आपका नाम चेंज होगा, वो मैं इस वीडियो को आपको बताने वाला हूँ. तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको माई चैनल पे जाना होगा. माई चैनल पे जाने के बाद आपको कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना होगा. कस्टमाइज चैनल पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो लोगो था इस ढंग से आ जाएगा. इस ढंग से इस लोगो के आ जाने के बाद इस लोगो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ सेटिंग का एक आपको सिंबल दिखेगा, उस पर क्लिक कर लेंगे. सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे आपके पास ये खुल जाएगा. यहाँ पे आपको अपना लोगो दिखेगा जो पुराना लोगो था. यहाँ पे एडिट ऑन गूगल पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप गूगल एड ऑन गूगल पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज दिखाएगा. इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये पेंसिल का जो मार्क है यहाँ पे क्लिक करना है और लर्न मोर पे क्लिक कर देना है. लर्न मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा सर पे खुल जाएगा. गूगल अकाउंट पे आपको क्लिक करना है. गूगल अकाउंट पे क्लिक करने के बाद अपने प्रोफाइल इन्फो पे आप क्लिक करेंगे. लेफ्ट हैंड को आपको मिलेगा ये प्रोफाइल पर्सनल इन्फो, सॉरी यहाँ पे आपको क्लिक करना है. तो यहाँ पे देखिए आपका लोगो आएगा, आपका चैनल का नाम आएगा. नाम पे आपको क्लिक कर लेना है. नाम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो पेंसिल पे क्लिक करेंगे. पेंसिल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे नाम ऐड करना चाहता हूँ, GPTECH, और मैंने डन कर दिया. डन करने के बाद ये कंफर्मेशन पूछेगा, ये आपको बताएगा कि आप 90 दिन में 3 बार नाम चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे कंफर्म में मैं क्लिक करूंगा और नाम परिवर्तन हो गया है. ऐसे आपको अपना नाम परिवर्तन करना है. और अब हम देख लेते हैं क्या ये हुआ है या नहीं हुआ है. ये देखिए दोस्तों, मैंने रिलोड किया था, यहाँ पे GPTECH आ गया है. इसके बाद होता है दोस्तों, देखिए ये तो नाम चेंज हो गया. नाम चेंज के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जैसे लोगो और आपका बैनर है, लोगो और बैनर आप बना के तैयार रखें, क्योंकि लोगो बैनर के बगैर तो देखिए लोगो पुराना हो गया और बैनर नया है तो उस ढंग से भी अच्छा नहीं लगेगा. तो यहाँ पे आप अपना लोगो और बैनर कैसे बदलेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप वो बदल सकते हैं. यहाँ पे देखिए GPTECH आ गया है. अब लोगो और उसके लिए बात कर लेते हैं, लोगो और बैनर आप कैसे ऐड करेंगे. लोगो और बैनर ऐड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पे आना होगा. यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एडिट पे, और एडिट पे जाना होगा. एडिट पे जाने के बाद आपको यहाँ ले जाएगा ये. यहाँ ले जाने के बाद आप अपलोड करेंगे. अपलोड पर जैसे आपने अपना लोगो पहले से ही तैयार रखना होगा, लोगो पे क्लिक कीजिए. लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगा, और ये अपलोड हो रहा है, ये अपलोड हो गया है. जैसे आप जिस ढंग से उसको दिखाना चाहते हैं उतना ही एरिया सेलेक्ट कीजिए और डन कर दीजिए. डन करने के बाद ये यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा. कई बार क्या है, ये शो होना 24 घंटे ले लेता है, आप उसके लिए फिक्र ना करें, आपका शो हो जाएगा. ये यहाँ से लोगो परिवर्तन हो गया. मैं इसको रिलोड करता हूँ. रिलोड करने के बाद देखते हैं ये दिखाता है या नहीं दिखाता. ओह ठीक है, अब इसे इसने दिखा दिया है. उसके बाद आपको ये जो चैनल आर्ट है ये भी चेंज करना है. इसके लिए आप यहाँ पे इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करेंगे तो एडिट चैनल आर्ट पे आप क्लिक कर लेंगे. सेलेक्ट फ्रॉम योर कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपने कौन सा बनाया हुआ है. मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है चैनल आर्ट. मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, ये रहा चैनल आर्ट. यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक करके अपलोडिंग पे लगा दिया है. अभी अपलोड हो रहा है. अपलोड होने के बाद ये आपको शो कराएगा कि ऐसा आपका दिखने वाला है. तो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं आगे पीछे, नहीं तो तकरीबन सही दिखा रहा है. मैंने सही से इसको बनाया हुआ है.
तो यहाँ पे आप सेलेक्ट पे कॉपी सेलेक्ट पे करेंगे, सेलेक्ट पे करने के बाद ये आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपका चैनल का नाम और लोगो और बैनर आर्ट सब कुछ इसमें चेंज हो चुका है। तो ऐसे दोस्तों आप अपने चैनल का जो छवि है उसको अच्छी बना सकते हैं और अपने ढंग से कर सकते हैं। अब आप इसको जीपीटेक के नाम से अगर सर्च करेंगे तो ये जल्दी सर्च में आ जाएगा, GPTECH सर्च करेंगे तो ये ऊपर ही आएगा और जल्दी से आ जाएगा। अभी ये अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ऐसी खास जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त है और आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम यहां छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर जाएंगे। यहां हम छोटी छोटी बातें पहले आपको सिखा रहे हैं, कैसे आपको चैनल बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, वो सब सिखा के हम आपको बहुत बड़े लेवल पर लेकर चलेंगे, आपको बनाएंगे अच्छा यूट्यूबर। तो मैं इजाजत चाहता हूँ दोस्तों, नमस्कार।